हेलो गाइस, सो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टडी ऑन व्हील्स। इसका आज का एपिसोड हम शूट कर रहे हैं मोरजी में एक रिजॉर्ट के टेरेस पे, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ फॉर वन मंथ। और मैं थोड़ा लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पूरा का पूरा लोकेशन जो है, ये पूरा एक गार्डन है जिसको नारियल के पेड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं गोवा में, और यहीं पे टेरेस पे हमने अपना सेटअप लगाया हुआ है जिसमें आज का हम एपिसोड अपना शूट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार पीसफुल लोकेशन है, क्लोज टू द नेचर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI कंप्लीट किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट। सो जैसे कि करंट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करंट को काफ़ी पढ़ा है, बट यहाँ हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ करंट पढ़ने जा रहे हैं। इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, बिकॉज अब तक जो करंट हम यूज़ करते आए हैं, जो बैटरी और सेल हम यूज़ करते थे, दैट इज डायरेक्ट करंट। उनसे हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हम करते हैं, घर में जो सप्लाई हमारी आती है, उसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज जो हम यूज करते हैं, वो भी ऑल्टरनेटिंग करंट को ही सपोर्ट करते हैं। सो इन टूडेज क्लास वी डिस्कस वॉट इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वॉट इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो जहां तक बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन की, सो इट इज द करंट विच चेंज इट्स वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ चेंज होता है, ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। बिकॉज अगर हम कहें किसी डिवाइस में अगर टाइम के साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इस करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगभग सेम है। बट अगर हम देखें इस ग्राफ को, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसके डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर फर्स्ट पार्ट में हम देखें तो वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रही है, बट इन सेकंड हाफ इट शोज नेगेटिव डायरेक्शन। सो ये जो करंट है, दैट काइंड ऑफ करंट नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने की हम बात करें, तो जैसे कि ग्राफिकली ये दिखाई दे रहे हैं, इट्स लाइक अ साइन कर्व। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्टरनेटिंग करंट को हम साइनसोइडल कंडीशन पे निकालते हैं। एज वी नो, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए वोल्टेज इज कंपल्सरी कंपोनेंट। सो अगर मेरे पास एक वेरिएबल सोर्स ऑफ पोटेंशियल होगा, तो उससे मिलने वाला करंट भी वेरिएबल होगा। और जैसे हमने लास्ट चैप्टर EMI में पढ़ा था, व्हेन अ कॉइल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूस अ फ्लक्चुएटिंग पोटेंशियल और EMF, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी। सो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिससे वो कॉयल रोटेट कर रही है, और किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे उसका पोटेंशियल E = E0 sin ωt के बराबर होगा। एंड एज वी नो द करंट इज पोटेंशियल अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। सो इफ यू पुट द वैल्यू, वी गेट I = E0 sin ωt/R। नाउ दैट पोर्शन जिसमें E0/R को अगर हम देखें, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट अ करंट। सो I = I0 sin ωt, वेयर E0 and I0 रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। सो इसको हम पीक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। सो किसी भी एक्सप्रेशन में ये जो एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन आप देखते हो, दैट एम्पलीट्यूड पोर्शन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो अगर अब हम इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए डिवाइस की बात करें, सो टू मेजर दैट अल्टरनेटिंग करंट, वी कैनॉट यूज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। बिकॉज अगर आपको याद हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट भी शो करता है। सो इन दीज कंप्लीट साइकिल, करंट शोज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डायरेक्शन, जिसकी वजह से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अपनी डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट द करंट चेंज करना होगा इन ईच साइकिल, जिसकी वजह से एवरेज करंट हमें
जीरो मिलेगा। सो टू मेजर दैट ऑल्टरनेटिंग करंट वी यूज हॉट वायर एमीटर, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, जिसमें हम मैग्नीट्यूड बड़े इजीली मेजर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ लेट्स फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे कि हम जानते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो, बिकॉज हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड अनदर हाफ साइकिल इज नेगेटिव। तो अगर हमें मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पता करनी है, तो उसके लिए हम इक्वेटिंग मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम ऑल्टरनेटिंग करंट को इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी डायरेक्ट करंट से। सो जहाँ तक हम डेफिनेशन की बात करें, दैट द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू दैट डायरेक्ट करंट इन विच द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लो फॉर द हाफ साइकिल, और वी कैन से कि एक ऐसा डायरेक्ट करंट जो उतना ही चार्ज फ्लो कराएगा जितना एक ऑल्टरनेटिंग करंट करा रहा है इन इट्स हाफ साइकिल। तो उस डायरेक्ट करंट को हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू की तरह यूज कर सकते हैं। सो अगर हम इन शॉर्ट बात करें, दैट अ डायरेक्ट करंट इज सेड टू बी द एवरेज करंट ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन डीसी एंड एसी आर इक्वल व्हेन टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कंप्लीट टाइम पीरियड। तो अगर कोई डायरेक्ट करंट हाफ साइकिल में उतना ही चार्ज फ्लो करा रहा है जितना कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट कराता है, देन दैट डायरेक्ट करंट अज्यूम टू बी इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग करंट। सो अगर अब हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी है। सो टू फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, लेट्स अज्यूम एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो अब हम पता करते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फॉर हाफ साइकिल। सो एज वी नो करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी एंड द स्मॉल चार्ज फ्लो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल इज आई डी टी। सो द टोटल चार्ज फ्लो इज द इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। नाउ वी वॉन्ट द चार्ज फॉर द हाफ साइकिल, सो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज जीरो टू टी बाय टू। अब इस करंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, सो द करंट फ्लोज इन ए सी इज इक्वल टू जीरो टू टी बाय टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ एज आई नॉट इज अ कॉन्स्टेंट, सो इसको हम बाहर ले लेते हैं। सो आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा लिमिट जीरो टू टी बाय टू। नाउ माइनस और ओमेगा दोनों बाहर लेके हम अपर और लोअर लिमिट पुट करते हैं। सो वी गेट द चार्ज फ्लो इन हाफ साइकिल इन एन एसी करंट इज माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाय टू माइनस कॉस जीरो। सो क्यू ए सी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा। नाउ कॉस द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज टू पाई बाय टी, सो टू पाई बाय टी इन टू टी बाय टू, टी कैंसल आउट, टू कैंसल आउट, माइनस कॉस जीरो इज वन। सो चार्ज ड्यू टू ए सी इज माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस पाई माइनस वन, कॉस पाई इज माइनस वन, सो इट इज माइनस आई नॉट ओमेगा माइनस वन माइनस वन, सो इट इज बिकम माइनस टू। सो द फाइनल चार्ज इज आई नॉट टू बाय ओमेगा। सो दिस इज द चार्ज फ्लो
for half cycle due to an alternating current. So this is equation 1. अगर अब हम डीसी करंट की बात करें, सो फॉर डीसी करंट द चार्ज फ्लो ड्यू टू डीसी इज इक्वल टू सिंपली करंट इनटू टाइम, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट करंट, सो देयर इज नो वेरिएशन, सो वी डोंट वांट डी क्यू बाय डीटी. सो द चार्ज फ्लो ड्यू टू डीसी इज आई इनटू टी बाय 2, बिकॉज वी वांट द सेम टाइम एज द ऑल्टरनेटिंग करंट. सो दिस इज इक्वेशन 2. So if we want to find the average value of mean current, so we know that the DC current can be written as the average value or the mean value of alternating current only when if charge of AC is equal to charge of DC. Kis time ke liye? Half cycle ke liye. So jaise hi is condition ko hum put karenge, dono charge ko barabar karenge, so DC current ko hum average current ki tarah लिख सकते हैं. सो वी गेट 2 I नॉट बाय ओमेगा इज इक्वल टू I एवरेज इनटू T बाय 2. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 पाई बाय T, वी गेट 2 I नॉट 2 पाई बाय T इज इक्वल टू I एवरेज इनटू T बाय 2. सो 2 कैंसिल आउट, T कैंसिल आउट, we get I average is 2 by pi I naught. So from this expression we can say that the mean value of alternating current is 2 by pi times the peak value of alternating current. Aur agar isko hum percentage mein calculate karenge, so it is about 64%. So I average is not the 50% of alternating current, it is approximately 64% of its peak value. So जब भी हम कोई graph draw करते हैं तो उसमें हम average value और mean value midpoint पे ना लेके उससे आगे 64% value पे लेते हैं. तो अब जो वैल्यू हम ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए निकालने वाले हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के नाम से भी जानते हैं. सो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं या स्टैंडर्ड वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है. अगर आपने ध्यान दिया हो, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइट, एलईडी, टीवी, चार्जर आपने देखे होंगे, उनके ऊपर जब आप पावर रेटिंग देखते हैं तो पावर रेटिंग में जो करंट और वोल्टेज मेंशन होता है, इट इज़ नॉट द पीक वैल्यू, इट इज़ नॉट द साइमल्टेनियस वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग करंट. सो अगर आप अपने घर पे किसी भी डिवाइस पे 220 वोल्ट लिखा हुआ अगर देख रहे हैं, सो दैट 220 वोल्ट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट डिवाइस फॉर द वोल्टेज, जिसको आप पीक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट. सो जहां तक बात करें आरएमएस वैल्यू की, तो अगेन जैसे कि हमने एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट निकाला था, यहां भी हम इसको एक डायरेक्ट करंट से इक्वेट और कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं. जैसे हमने एवरेज वैल्यू के लिए चार्ज को इक्वेट किया था फॉर द हाफ साइकिल, सिमिलरली टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है हीट इफेक्ट का, बिकॉज वी नो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट और डिवाइस सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड. सो द आरएमएस वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू दैट डायरेक्ट करंट व्हिच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल. अगर सिंपल वर्ड्स में इसको याद करने की हम बात करें, तो कोई भी डायरेक्ट करंट किसी भी एसी करंट की आरएमएस वैल्यू तब कहलाता है इफ फॉर द कंप्लीट साइकिल द हीट प्रोड्यूस बाय एसी इज इक्वल टू द हीट प्रोड्यूस बाय डीसी. सो अगर एक कंप्लीट साइकिल में जो हीट किसी एसी करंट ने प्रोड्यूस की है, उतनी ही हीट कोई डीसी करंट अगर प्रोड्यूस कर दे, तो दैट डीसी करंट कैन बी इक्वेटेड और used as the RMS value of that alternating current. So अब हम बात करते हैं इन दोनों के relation और expression.
सो फ्रॉम द डेफिनेशन हम जानते हैं कि टू फाइंड द RMS वैल्यू वी हैव टू इक्वेट द हीट प्रोड्यूस बाई ए सी एंड डी सी. सो लेट द हीट प्रोड्यूस बाई डी सी करेंट इज आई स्क्वायर आर टी. सो इन अ कंप्लीट साइकिल द डिवाइस हैविंग रेजिस्टेंस आर प्रोड्यूस हीट एच. दिस इज इक्वेशन वन. देन फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करेंट लेट the small amount of heat produced by that alternating current is I square R dt. So dh is the small amount of heat produced in small time interval dt. So the total heat produced is I square R dt from 0 to t. So we are going to find the heat produced in a complete cycle. तो इसलिए हमने इसको 0 से t तक integrate कर दिया है. अब ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, अगर हम उसे इस इंटीग्रेशन में पुट करें सो वी कैट 0 टू टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी. सो आर एंड आई स्क्वायर बोथ आर कांस्टेंट, जिसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं. सो वी कैट आई स्क्वायर आर 0 टू टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. अब साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए हम हमेशा ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. और साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2. अब इसको हम बड़े आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं. नाउ देयर आर टू इंटीग्रेशन, वन इज फॉर हाफ एंड वन इज फॉर कॉस 2 ओमेगा टी. सो हीट फॉर एसी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी डीटी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी लिमिट 0 टू टी. सो द हीट इन ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 टू टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटीग्रेट दैट साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा लिमिट 0 टू टी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी गेट हीट इन एसी करंट इज आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 इनटू टी माइनस 0 माइनस 2 ओमेगा बाहर इनटू साइन 2 ओमेगा इज 2 पाई बाय टी इनटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा इनटू 0. सो साइन 0 बिकम 0, t cancel out, sin 4 pi is again 0. So we get HAC is equal to I naught square RT by 2 minus 0, as sin 4 pi is 0 and sin 0 is also 0. So always remember, when you get a function of sine or cos including time and you are integrating for the complete cycle, so uska answer hamesha 0 hi aayega. So in that case we get HAC is equal to I square RT by 2. This is equation second. So from first and second, because अगर heat AC और DC की complete cycle के लिए बराबर होगी तभी उस DC current को हम RMS value बोल सकते हैं. So by equating we get I square RMS RT is equal to I naught square RT by 2. So RT is cancel out and I RMS is equal to I naught by under root 2. So यहाँ से हम देख सकते हैं that the RMS value of an alternating current is 1 by root 2 times the peak value of that current. अगर इसको लगभग हम एक percentage में calculate करना चाहें तो ये approximately 70.7% के आसपास ये वैल्यू होगी इसकी पीक और मैक्सिमम वैल्यू की. सो द एवरेज वैल्यू इज अबाउट 2 बाय पाई टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू
एंड द आरएमएस वैल्यू इज 1/√2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इन ऑल्टरनेटिंग करंट उसकी एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बिकॉज अगर मुझे एक फिक्स वैल्यू में उस एसी करंट को रिप्रेजेंट करना है सो आई प्रेफर आरएमएस वैल्यू ऑफ दैट ऑल्टरनेटिंग करंट। अब जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू और उसकी इफेक्टिव वैल्यू को फाइंड किया है, सिमिलरली फॉर द ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ उसकी आरएमएस वैल्यू भी उसकी पीक वैल्यू के 1/√2 टाइम्स ही होगी। सो द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम बात करते हैं अबाउट फेसर डायग्राम्स। सो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जब भी हम स्टडी करते हैं तो उनकी स्टडी इंडिविजुअली ना करके उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। सो हम हमेशा जानना चाहेंगे कि जिस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट पे हम काम कर रहे हैं उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है एट सेम फ्रिक्वेंसी, क्या वो दोनों साथ में चल रहे हैं और जिसको हम कहते हैं कि दे आर इन फेज, या दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन या अलग अलग फेज में हैं। सो फॉर दैट स्टडी हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसको हम फेसर डायग्राम के नाम से जानते हैं। सो इन फेसर डायग्राम जिसमें हम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट द सेम फ्रिक्वेंसी। सो जैसे अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ये पता करना हो कि करंट और वोल्टेज इन फेस हैं या आउट ऑफ फेस हैं, और अगर वो आउट ऑफ फेस हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। सो अगर कहीं पे मुझे दिखाई दे कि मेरा वोल्टेज एक फिक्स फ्रिक्वेंसी ओमेगा के साथ टी टाइम पे ई वैल्यू शो कर रहा है और करंट उसी फ्रिक्वेंसी पे उसी टाइम पे मुझे एक एक्स्ट्रा फेज फाई पे दिखाई दे रहा है, इन दैट केस हम इस ईएमएफ को लिखेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यही ऑल्टरनेटिंग करंट लिखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो हमें दिखा रहा है दैट द करंट इज फाई एंगल अहेड ऑफ ईएमएफ, या हम कह सकते हैं करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय एन एंगल फाई। सिमिलरली इन डिफरेंट केस द ईएमएफ लीड द करंट, और सम टाइम एज इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज दे मूव विद द सेम एंगल। सो यहाँ पे हम दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं, दैट इज लीड एंड लैग बिहाइंड। जैसे यहीं पे अगर मुझे आपको बताना हो तो मैं कह सकता हूँ करंट लीडिंग द ईएमएफ बाय द फेस ऑफ फाई, और वी कैन से ईएमएफ लैग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ फाई। सो दोनों ही बातें एक ही रिजल्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। सो इन डिफरेंट सर्किट डायग्राम जिसमें हम अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के, उसमें हम हमेशा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि करंट और ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग फेस में कितना फेस डिफरेंस रख। सो बिफोर स्टार्टिंग द ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स देर आर वेरियस टर्म जिनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, इनकी वैल्यू हम टाइम टू टाइम डिफरेंट सर्किट्स में कैलकुलेट करते रहेंगे। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने रेजिस्टेंस को पढ़ा होगा फॉर डायरेक्ट करंट, जैसे हम जानते हैं किसी भी डिवाइस में जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू सम रीजंस लाइक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा द फ्लो ऑफ चार्ज और द करंट इज रिस्ट्रिक्टेड, दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। और इसका रेसिप्रोकल अगर हम बात करें जिसको हम कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, बट रेजिस्टेंस के अलावा और भी कई डिवाइस हम यूज़ करते हैं जैसे कि इंडक्टर और कैपेसिटर जिनको हमने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा है, तो अगर इन डिवाइसेस से करंट फ्लो होता है तो दे ऑल्सो ऑफर सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर से जब एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करते हैं टू दैट ऑल्टरनेटिंग करंट दैट इज नोन एज रिएक्टेंस। सो XL इज द सिंबल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, एंड XC रिप्रेजेंट
द कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम इम्पिडेंस जिसको जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो इम्पिडेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी एसी सर्किट। तो किसी भी एसी सर्किट में कोई भी कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है, कोई भी डिवाइस हमने यूज़ किया है, उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को हम इम्पिडेंस के नाम से जानते हैं। सिमिलरली ससेप्टेंस इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। सो फॉर द इंडक्टर ससेप्टेंस इज 1/XL एंड फॉर कैपेसिटर इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन द लास्ट वी हैव एडमिटेंस, सो एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। सो ससेप्टेंस और एडमिटेंस वैसे ही काम करता है जैसे हम रेजिस्टेंस में कैपेसिटेंस की बात करते हैं। So it shows the conductivity of the device. So guys, I hope today's topic clear to you. So अगर आप ऐसे ही educational videos ऐसे different location पर देखना चाहते हैं, so इस video को like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए ताकि हम ऐसे ही interesting video आपके लिए time to time लाते रहें। और अगर आप इस जगह का proper traveling log देखना चाहते हो, so you can visit my channel RK Free Soul. For further study material, you can visit our website newerasolution.in. So keep in touch, study hard, all the best.